नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आज मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं और कई बार वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो शायद वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो एक बार की बात है कि एक इंसान जो है एक अनाज की गोदाम में काम कर रहा होता है और अनाज की गोदाम में काम कर रहे होते तभी उनके पास एक घड़ी होती है। सपोज दैट कि जैसे मेरे पास एक घड़ी है और उनके पास एक घड़ी होती है और मेरे जैसे वो घड़ी को खोल के रख देता है और तभी उनकी घड़ी गुम हो जाती है। और जब वो घड़ी गुम हो जाती है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। 1.5 घंटे तक वो घड़ी को खोजता है और एक्चुअल में वो घड़ी के साथ उसका लगाव इसलिए था क्योंकि उनके पिताजी ने उनके बर्थडे पर ये बहुत ही सुंदर घड़ी गिफ्ट किया था। तो काफी देर ढूंढने के बाद जब उसको घड़ी नहीं मिला तो बड़ा परेशान होने लगा, बहुत परेशान होने लगा। उसके बाद वो परेशान होकर जब फैक्ट्री से बाहर निकला, गोदाम से बाहर निकला तो देखे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने उस बच्चों से कहा कि मेरी घड़ी गुम हो गई है, क्या तुम लोग मेरी घड़ी को खोजने में हेल्प करोगे। सारे बच्चे चले गए, सारे बच्चे जाके घड़ी को ढूंढने लगा लेकिन 1 घंटे बाद भी वो घड़ी को नहीं मिला। तभी 1 घंटे बाद एक बच्चा अकेला जाता है और उस गोदाम के अंदर बैठ के आराम से सुनता है, शांत माहौल में बैठ जाता है और सिर्फ वो घड़ी की आवाज सुनता है कि वो आवाज पहले वो केंद्रित करता है अपने आप को, वो देखता है कि आवाज आ रही है और 1 घंटे बाद वो जब केंद्रित किया कि देखा कि वो आवाज आ रही है तो फिर वो घड़ी को खोज निकाला। और जब 1 घंटे बाद उन्होंने फिर उस इंसान को दिया जो गोदाम में काम कर रहा होता है, तभी बताया कि मैं भी 1.5 घंटे खोजा, आप सब लोग मिलके जाके खोजे, फिर भी नहीं मिला, अभी आपको कैसे मिल गया। वो बच्चे ने एक ही बात बताया कि मैं शांति पूर्वक जब साफ शांत हो गया, मैंने जाके बैठ के देखा, मैंने सोचा और मैंने सुना तो मैं देखा कि घड़ी की आवाज टक 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 आ रही है और मैंने वो जगह पर पहुंच गया आवाज कहां से आ। तो दोस्तों ये कहानी से एक संदेश देना चाहते हैं कि कई बार जीवन में अगर प्रॉब्लम आए तो आप एकांत में जब पूरी शांत हो जाए फिर बैठ के सोचिए, देखेंगे आपको वो खोई हुई प्रॉब्लम का जो सॉल्व नहीं हो रहा है वो खोई चीज जिस तरीके से घड़ी मिल गई उसी तरीके से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक करें और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि अगली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।